कपूर के बारे में बात करते हैं, ही लॉस्ट हिज सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल, ही लॉस्ट हिज सेल्फ कंट्रोल, स्वयं का नियंत्रण, स्वयं का नियंत्रण। कभी कभी गफूर है अपने स्वयं का नियंत्रण भी खो देता था, ऐसा दो बार देखने को मिला कि उसने अपना कंट्रोल खो दिया था। फर्स्ट टाइम केस व्हेन हिज डॉटर टोल्ड हिम, जब उसकी बेटी ने बताया दैट देयर इज नो फूड एंड वाटर इन द हाउस, क्या है नो फूड एंड वाटर इन द हाउस, कि देयर इज नो फूड एंड वाटर इन द हाउस, कि घर में पानी और भोजन नहीं है, ही गॉट फ्यूरियस, तो वह नाराज हो गया एंड चाइडेड हिज डॉटर, और अपनी बेटी को उसने बहुत जोरों से डांटा और उसने थप्पड़ भी दे दिया था बेटी को। पहली घटना कब है कि व्हेन हिज डॉटर टोल्ड हिम, जब उसकी बेटी ने बतलाया दैट देयर इज नो फूड एंड वाटर इन द हाउस, के घर में पानी और भोजन नहीं है, तो वह नाराज हो गया, उसने अपनी बेटी को डांटा। सेकेंड टाइम देखते हैं कब उसे गुस्सा आया था, व्हेन द मैसेंजर कॉल्ड हिम अगली नेम, जब मैसेंजर ने उसे अगली नेम जिसे पुकारा, गाली देकर पुकारा, ही लॉस्ट हिज सेल्फ कंट्रोल, उसने अपना नियंत्रण खो दिया एंड सैड, और कहा दैट ही वाज नॉट ए स्लेव, उसने क्या कहा था मैसेंजर से, ही वाज नॉट ए स्लेव, और वह गुलाम नहीं था ऑफ सिबू, सिबू बाबू का, और ही पेड रेंट, और वह काशीपुरम में रहने के लिए रेंट देता था। जब मैसेंजर ने उसे गाली देकर और पुकारा तो उसने नियंत्रण खो दिया था अपना, और उसने कहा कि वह सिबू बाबू का गुलाम नहीं था, वह रहने के लिए पैंट और रेंट देता था। देखो अमीना के करेक्टर के बारे में हम बात करते हैं, अमीना जो कि मदरलेस चाइल्ड थी, बिन माँ की बेटी थी, सिंस चाइल्डहुड और बचपन से ही सी लैड, और उसने व्यतीत किया था लैड ए लाइफ ऑफ पॉवर्टी, उसने गरीबी का जीवन व्यतीत किया, लेक ऑफ लव, जिसमें जीवन, जिसमें प्रेम का अभाव था उस जीवन में, देखो हार से कठोर जीवन व्यतीत किया, स्ट्रगल, संघर्ष से परिपूर्ण जीवन व्यतीत किया, अफेक्स, और वो कैसी लड़की थी, अफेक्सिनेट, स्नेही लड़की थी, ब्यूटीफुल क्वाइट गर्ल, और कर्तव्य परायण शांत स्वभाव की लड़की थी, मदरलेस, और बचपन से ही उसने गरीबी, जिसमें प्रेम की कमी थी, कठोर और संघर्ष से परिपूर्ण जीवन व्यतीत किया, वह अफेक्सिनेट ब्यूटीफुल क्वाइट गर्ल, अफेक्सिनेट स्नेही और लड़की थी, कर्तव्य परायण और शांत स्वभाव की लड़की थी अमीना।